तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चीन में हुआ बड़ा खुलासा। चीन में उइगर मुसलमानों की जबरदस्ती लीवर किडनी निकालकर बेच रही है चीन की सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को फिर से दी धमकी, कहा हमें जबरन हटाया तो सरकारी दफ्तरों को बना देंगे गल्ला मंडी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बरेली के उलमाओं ने त्रिपुरा में मस्जिदों पर हुए हमले की निंदा, बोले मुसलमानों पर हो रहा है अत्याचार, सरकार है चुप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी को ममता बनर्जी आज देंगी दूसरा बड़ा झटका, आज बीजेपी नेता राजीव बनर्जी टीएमसी में होंगे शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि समीन बानखेड़े से अमित शाह हुए नाराज, एनसीबी मुख्यालय को भी आर्यन खान मामले में रखा गया था अंधेरे में, अब जा सकती है समीन बानखेड़े की नौकरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अंध भक्तों के खिलाफ ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला, कोलकाता में दिवाली पर पटाखों जलाने पर लगाया प्रतिबंध, अगर कोई उल्लंघन करेगा तो जाएगा जेल। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन में मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर हुआ एक बड़ा खुलासा, मुसलमानों के अंगों को बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहा है चीन। जो दोस्तों आपको बता दें कि चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन उइगर मुसलमानों के अंगों की कालाबाजारी करके अरबों रुपए की कमाई कर रहा है। समाचार पत्र हेराल्ड सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1.5 लाख मुस्लिम उइगर मुसलमानों को जबरन चीन की सरकार ने डिटेंशन सेंटर में कैद कर रखा है। कैद के दौरान जबरदस्ती इन मुसलमानों के महत्वपूर्ण शारीरिक अंग जैसे किडनी और लीवर जबरन चीन की सरकार निकालती है और उनकी कालाबाजारी करती है। इससे 1.2 करोड़ रुपए में इन एक किडनी और एक लीवर को चीन की सरकार बेचती है और इससे 75 अरब रुपए के आसपास की कमाई एक साल में चीन की सरकार करती है। जिसके बाद अब दुनिया भर के देश हैरत में कि किस तरह से चीन जो है मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। इससे पहले चीन की सरकार ने वहां पर मस्जिदों को तोड़ा और मस्जिदों को तोड़कर मस्जिदों के स्थान पर टॉयलेट बनवाए और इस्लाम धर्म को लगातार खत्म कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ ये बड़ा अत्याचार हो रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी खुली धमकी, कहा हमें जबरन हटाया तो सरकारी दफ्तरों को बना देंगे गल्ला मंडी। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को धमकी दी है। ये चेतावनी उन्होंने गाजीपुर वार्ड से किसानों के टेंट हटाए जाने को दी है। टिकैत ने कहा कि प्रशासन जेसीबी की मदद से यहां लगे टेंटों को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, अगर प्रशासन यहां से टेंटें उखाड़ेगा तो किसान सरकारी दफ्तरों के बाहर टेंट लगा देंगे। इतना ही नहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वे देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और किसानों की ओर से रास्ता खोल दिया गया था। पुलिस ने जहां पर अपने बैरिकेड और कीले तार हटाकर रास्ता साफ कर दिया तो वहीं किसानों ने भी अपने टेंट हटा दिए। रास्ता खुलने के साथ ही राकेश टिकैत का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा था कि किसान कहीं भी फसल बेच सकते हैं, अगर सड़कें खुली रही तो हम अपनी फसल बेचने के लिए संसद भी जाएंगे, पहले हमारे ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बड़ी धमकी मोदी सरकार को दी है और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बरेली के उलमाओं ने त्रिपुरा के दंगों की निंदा, बोले मुसलमानों पर हो रहा है अत्याचार, सरकार क्यों है चुप। जय दोस्तों आपको बता दें कि आला हजरत बरेली शरीफ के उलमाओं ने त्रिपुरा दंगों की कड़ी निंदा की है। बांग्लादेश में हुई हिंसा के विरोध में त्रिपुरा में मस्जिदों पर हमला किया गया, मुसलमानों की बेरहमी से हत्या की गई। बांग्लादेश में पिछले दिनों दुर्गा पूजा पंडालों में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ त्रिपुरा में हिंदू संगठनों की कई रैलियों के बीच त्रिपुरा में मस्जिदों और मुसलमानों की बस्तियों पर हमला किया गया। इसमें पिछले कई दिनों में मस्जिदों और मुस्लिम बस्तियों पर हमले की खबर आ रही है और कई घरों सहित दुकानों को जलाया गया। इसी को लेकर अब मुस्लिम समुदाय के मौलानाओं ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अत्याचार और शोषण मुसलमानों का मोदी सरकार में हो रहा है और सरकार मौन है। वहीं उन्होंने कहा कि मुसलमानों के घरों को आग के हवाले हिंदू संगठनों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार भी चुप होकर तमाशा देख रही है और दंगइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम मौलानाओं ने कहा कि अगर ऐसी ही कार्रवाई कोई मुसलमान करता तो NSA अब तक उन पर लगा दिया जाता और उन्हें जेल में भी डाल दिया जाता। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वरुण
गांधी की योगी सरकार को चेतावनी, कहा किसानों को जमीन से बेदखल करने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन के बीच पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने योगी सरकार को आज चेतावनी दी है। पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि किसानों को कोई भी जमीन से बेदखल नहीं कर सकता, अगर करने की सोचता है तो उसे मेरी लाश से गुजरना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के टाटरागंज में भ्रमण के दौरान कुछ किसानों ने वरुण गांधी से शिकायत की थी। किसानों का कहना था कि 65 साल से वे जमीन जोत रहे हैं, हालांकि मालिकाना हक नहीं होने की वजह से अब योगी सरकार उन्हें बेदखल करने के लिए नोटिस भेज रही है, जिसके बाद वरुण गांधी ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इन किसानों से जमीन सरकार नहीं छीन सकती, अगर योगी सरकार जमीन छीनेगी तो मेरी लाश से योगी सरकार को गुजरना होगा। यानी अपनी ही सरकार पर यह बड़ा हमला वरुण गांधी लगातार बोल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो समीन वानखेड़े से अमित शाह नाराज, एनसीबी मुख्यालय को भी आर्यन खान के मामले में रखा गया अंधेरे में। यह दोस्तों आपको बता दें कि आर्यन खान ड्रग्स मामले को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीन वानखेड़े ने जिस तरह से हैंडल किया उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अत्यधिक गंभीरता से लिया है और गृह मंत्री अमित शाह इस वजह से नाराज भी इनसे बताए जा रहे हैं। इस मामले में जो सबसे गंभीर बात समझी जा रही वो ये है कि एनसीबी मुख्यालय को भी अंधेरे में रखा गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नाराजगी की ये खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बीजेपी के कुछ नेता 3 दिनों की अहम बैठक के लिए दिल्ली में थे। इस दौरान बताया जा रहा है कि अमित शाह ने राज्य के कुछ बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा की, इसके अलावा अन्य सूत्रों से भी उन्होंने जानकारी हासिल की। आर्यन खान मामले की जाँच और इस मामले को हैंडल करने के तरीके में कई खामियां उजागर हुई। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले में चुप रहना ही बेहतर समझ रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जो है समीर वानखेड़े से नाराज बताया जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि समीर वानखेड़े की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शाहरुख खान के बेटे को उन्हें गिरफ्तार करना महंगा पड़ गया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने कोलकाता में लगाया पटाखों पर प्रतिबंध, पूरे शहर में होगी कड़ी निगरानी, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस दिवाली और छठ पूजा के दौरान सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए पटाखे फोड़ते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। कोलकाता के पुलिस आयुक्त सोमेन मित्रा ने में सभी उपायुक्तों और बल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों दिवाली के मौके पर कई राज्यों ने पटाखों के फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका आदेश जारी किया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने सख्ती दिखाई और ममता बनर्जी ने पुलिस को आदेश दे दिया, अगर कोई भी पटाखे फोड़ता हुआ प्रतिबंध के बावजूद दिवाली पर दिखे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए और उसे जेल में डाला जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर को भारत अधिकृत लिखने पर विवादों में आई जेएनयू यूनिवर्सिटी। जी दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कश्मीर को लेकर विवाद में आ गया है। विवाद बढ़ने पर कश्मीर को लेकर सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज द्वारा आयोजित वेबिनार को रद्द कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार रात 8:30 बजे सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज द्वारा वेबिनार आयोजित किया जाना था। वेबिनार विषय भारतीय कब्जे वाले कश्मीर लिखा गया था। सूत्रों का कहना है कि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, हिंदू संगठनों ने भी इसका विरोध किया था, जिसके बाद इस वेबिनार को रद्द कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज द्वारा बताया गया था कि भारत ने जो कब्जा जम्मू कश्मीर में कर रखा है वो कब्जा कर रखा है, जबकि भारत का कश्मीर हिस्सा नहीं है, और इसी को लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी जताई, जिसके बाद इस वेबिनार को रद्द कर दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जेएनयू यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से कश्मीर को भारत अधिकृत दिखाया है, यानी भारत का हिस्सा जेएनयू यूनिवर्सिटी कश्मीर को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बार की ओर, तो बीजेपी को एक और झटका देंगी ममता बनर्जी, आज बीजेपी नेता राजीव बनर्जी टीएमसी में करेंगे वापसी। जय दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल में बीजेपी के एक और बड़ा झटके लगने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी साल ममता बनर्जी सरकार में मंत्री पद छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले राजीव बनर्जी आज टीएमसी में वापसी करने वाले हैं। लंबे वक्त से उनकी वापसी की अटकलें लगाई जा रही थी। अब खबर है कि पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की त्रिपुरा रैली के दौरान राजीव बनर्जी टीएमसी ज्वाइन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी लगातार भाजपा को झटका दे रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में उपचुनाव से पहले ही लालू यादव से मिले बीजेपी के बड़े नेता, बिहार में गिर सकती है बीजेपी सरकार।
जब दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा ने शुक्रवार को राजद चीफ लालू यादव से मुलाकात की है। ये मुलाकात राज्य की दो सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग के एक दिन पहले हुई है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने तो यहां तक आरोप लगा दिया है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और आरजेडी के बीच गठबंधन हो सकता है। वहीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर हुई बैठक में राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और आरजेडी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भी शामिल थे। बैठक के बाद सिन्हा ने कहा कि ये मुलाकात सिर्फ लालू प्रसाद यादव का हालचाल लेने के लिए हुई थी, वो भी आरजेडी चीफ को पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के दिनों से जानते हैं। वहीं आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई है, जिसके बाद अब राजनीतिक दल ही आरोप लगा रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी जो है बीजेपी के ये नेता हैं ये राजद में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी को धोखा दे सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। बैठा था वो अकलमंद है, जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था।